दुनिया में कोरोना का खतरा बरकरार। जापान में एक दिन में 438 मौतें। ताइवान ने चीन से लौटने वालों के लिए RT-PCR अनिवार्य किया। भारत में बढ़ने लगा कोरोना का खतरा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 268 नए मरीज मिले। साप्ताहिक सक्रिय मामले की दर 0.17% की। USA में बर्फ से जमी झील में गिरने से हुई थी भारतीय अमेरिकी दंपति की मौत। अब नाबालिग बेटियों को लाया जाएगा भारत। अमेरिका में प्रवासियों की एंट्री पर जारी रहेगी रोक। राज्य बोले बैन हटा तो प्रवासियों की संख्या बढ़ेगी। बॉर्डर पर बैठे लोगों को एंट्री नहीं। रूस ने यूक्रेन पर 120 मिसाइलें दागी। समुद्र और आसमान से 7 शहरों पर हमला। कीव के मेयर बोले बंकरों में ही रहे लोग। बोधगया में दलाई लामा की जान को खतरा। बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने जारी किया चीनी महिला का स्कॉच। बोधगया में भिक्षु बनकर घूम रही महिला। पीएम मोदी की मां हीराबा नहीं रही। आज सुबह ही ली अंतिम सांस। पीएम मोदी थोड़ी देर में अहमदाबाद पहुंचेंगे। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में भगदड़। एक महिला समेत 8 लोगों की मौत। धक्का मुक्की में सीमेंट की रेलिंग टूटी। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। 7वें एमएलए ने दिया इस्तीफा। इस्तीफे के लिए व्यक्तिगत कारणों का दिया हवाला। अमेरिका के बर्फीले तूफान में जमा नियाग्रा फॉल्स। तापमान 0 डिग्री से कम। दुनिया के सबसे ऊंचे झरने पर बर्फ बनी चादर। कई देशों में ट्विटर सर्वर डाउन। लॉगिन नहीं कर पाए यूजर। दिसंबर में दूसरी बार समस्या। यूएस में 10,000 ने की शिकायत। सूर्य कुमार का नाम आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर में शामिल। 2022 में 200 जुड़े। इस साल भी सबसे ज्यादा रन बनाए। भारत दौरे के लिए 20 प्लेयर्स की श्रीलंका टीम जारी। T20 में हसरंगा। वनडे में कुशल मेंटेनेंस। उपकप्तान अनुभवी दिनेश चांदीमल टीम से बाहर। भारत पाकिस्तान टेस्ट की मेजबानी को तैयार ऑस्ट्रेलिया। MCG में दोनों का T20 मैच। 90,000 दर्शकों ने देखा था इसलिए प्रपोजल रखा। बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने अफ्रीका को हराया। 17 साल बाद साउथ अफ्रीका को घरेलू सीरीज में हराया। WTC फाइनल में भिड़ सकते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया।